सारे दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, भारत रेल मंत्रालय की पक्ष से आप लोग को बहुत बड़ा खुशखबरी मिला है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों एक ऑर्डर आया है, ठीक है, उसमें आरपीएफ की भर्ती के संबंध। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है ऑर्डर जो दिखाया है, देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की जो वैकेंसी 2018 में होता, अभी क्या बताया गया है, देखिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो है फर्स्ट फेज जो है रिक्रूटमेंट का जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेगा और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग और कौन सा एजेंसी जो करेगा आप लोग को रिक्रूटमेंट, जैसे हमारा एसएससी टीसीएस करता है वैसे ही। तो इसका जो है काम कंप्लीट करने के लिए किसको बोला है, आरआरबी को बोला गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, नोटिफिकेशन बिफोर द इनिशिएशन रिक्रूटमेंट, तो इसकी जो है क्या चेंजेस करना है क्या नहीं करना है, इसके कमिटी बना के उस कमिटी का मेंबर बताया गया कौन कौन ऑफिसर्स है। देखिए जो चेयरमैन है और आरपीएसएफ का जो है पीसीएससी, दूसरा बात है मैं आप लोग बता रहा हूँ के आसरफ जो डीआईजी एसआईएनए नॉर्थ रेन, तो ये सब जो है फर्स्ट फेज और रिक्रूटमेंट जो है आरआरबी जो है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट मेडिकल, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कमिटी आप लोग को रिक्रूटमेंट कमिटी करेगा। और इसमें जो क्या चेंजेस करना है क्या नहीं करना है, वो आप लोग का जो है नेसेसरी मॉडिफिकेशन क्या करना है, जो आरआरबी के ऊपर ये जो कमिटी है वो डिसीजन लेगा, ठीक है दोस्तों। द कमिटी रिक्वेस्टेड काइंडली कंप्लीट एक्सरसाइज और लिस्ट, मतलब ये जल्द से जल्द ये जो है इसका जो है निर्देश इसको चेंज करने के लिए ये बोला गया है, ठीक है। तो इसको कॉपी किसको गया है, जो कमिटी के जो मेंबर्स है, जो ऑफिसर्स मेंबर है उनके पास गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबर है। तो ये जो है यदि ये बात सच है तो फिर मैं आप लोग बता रहा जो आरपीएफ की कम से कम बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है, कम से कम 15,000 से 20,000 की वैकेंसी आप लोग को आने वाले, मिनिमम तो 15,000 बान के चलो, आप लोग का 15,000 की वैकेंसी पक्का 100% आप लोग को वैकेंसी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।